आपकी छोटी सी बात एक हमारा सेगमेंट होता है। तो ये जो डिग्रियां हमें मिलती हैं ये दरअसल हमारे तलीमी अखराजात की रसीदें हैं। इलम वो है कि जो अल्लाह की शनाख्त पर डाल दे और फिर अमल के ऊपर डाल दे। यकीनन ऐसी ही बात है कि हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना ताला ने जो इलम दिया था 99%, जैसे मुफ्ती साहब ने कल बताया, जो दुनिया में अक्ल दी गई तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, 1% बाकी सारी दुनिया को। तो सहाबा रज़वानुल्लाहिम जो थे वो इलम में इतने माहिर थे कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया करते थे। तो इलम हासिल करना इस नीयत के साथ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तो हम सब तालब इलम बन के रहें, ये नीयत कर लें कि भी हमने सारी ज़िंदगी, अब हम कोई जो दुनिया के इलम है फ़नून है कोई हासिल नहीं कर सकते अब, लेकिन यह है कि एक तालब इलम बन के हम इस जैसे इसमें भी कोर्स में भी आए हैं, इस तरह हम नीयत कर लें कि हमने और भी इसके कोर्सेज़ होते हैं और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि तालब इलम होता है वो हमेशा तरक्की करता है। तालब इलम मास्टर जो होता है 8वीं क्लास में पढ़ा रहा है वो 8वीं क्लास में सारी उम्र वहीं पढ़ाता रहेगा और ज़्यादा 10वीं क्लास में जाएगा, लेकिन तालब इलम उसके शागिर्द हैं, वो सदर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आलिम, मुफ्ती, कहाँ कहाँ से पहुँच जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब नियत करेंगे।